हे पोके आर्मी, सबसे पहले मेरी तरफ से सभी लोगों को हैप्पी दिवाली एंड विश यू अ वेरी सेफ दिवाली। तो यार पोके फैंस, तो आज का वीडियो के बारे में बात करते हैं। तो यार टाइटल थंबनेल से तुम लोगों को पता चल गया होगा कि वीडियो किस चीज़ के ऊपर है। तो यार वीडियो है टॉप 5 सेकेंड स्टेज इवॉल्व पोकेमॉन ऑफ एश। दोस्तों, तो मैंने इसके ऊपर पहले ही एक वीडियो बना चुका हूँ जो कि है टॉप 5 लास्ट स्टेज इवोल्यूशन इवॉल्व पोकेमॉन ऑफ एश वाला। तो उसे देखना है तो डिस्क्रिप्शन में पहले लिंक उसी का होगा, तो उसे तुम जाके देख सकते हो। तो ये है सेकंड स्टेज इवोल्यूशन। तो यार इस वीडियो में मैं सही से बताऊँ, इस वीडियो में जो पोकेमॉन सेकंड स्टेज तक इवॉल्व हुआ है उन्हीं को इस लिस्ट में लिया हूँ। और दोस्तों, वो पोकेमॉन है जिनके 3 एवोल्यूशंस है और जो अभी सेकंड स्टेज पे है एश के पोकेमॉन्स, उन्हीं को मैंने इस लिस्ट में लिया है। और दोस्तों, सबसे पहले बात, ये एक फैन मेड थियोरी और फैन मेड लिस्ट है और जो मैंने बनाई है। तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि कैसी लगी लिस्ट। और दोस्तों, अगर वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया तो जल्दी जाके लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब भी करना ताकि ऐसी तुम्हें थियोरी वीडियोस मिलते रहे और उनकी नोटिफिकेशन आते रहे। दोस्तों, लेट्स गेट स्ट्रेट इनटू द वीडियो। नंबर 5 बोल्डर। दोस्तों, बोल्डर को एश ने पकड़ा था यूनोवा के रीजन में। और दोस्तों, यूनोवा रीजन में बोल्डर को पकड़ा था उसने रॉगिन रोला के रूप में। जी हाँ, जो बोल्डर का सबसे पहला स्टेज है, उसके बाद रॉगिन रोला, उसके बाद बोल्डर, उसके बाद उसका एवोल्यूशन स्टेज। दोस्तों, बोल्डर जो है वो एक प्योर रॉक टाइप पोकेमॉन है और ये एश का बहुत ही यूनोवा रीजन का बहुत ही स्ट्रॉन्ग पोकेमॉन्स में से है, क्योंकि तभी यूनोवा रीजन में एश ने बहुत सारे पोकेमॉन्स पकड़े थे, यानी उसने टोटल ओवरऑल 9 पोकेमॉन्स पकड़े थे। तो यार, तो उस रीजन में वो अब तक का सबसे ऐसा रीजन है जिसमें एश ने सबसे ज़्यादा पोकेमॉन पकड़े, और उस रीजन में उसको कोई भी पोकेमॉन को ठीक से ट्रेन करने का मौका नहीं मिला था। जी हाँ, तो इसी वजह से बोल्डर इवॉल्व नहीं हो पाया। अगर वो इवॉल्व हो जाता ना, तो यार वो ऑसम तो दिखता ही और मतलब स्ट्रॉन्ग भी बहुत होता। नंबर 4 दोस्तों, नंबर 4 पे आता है एश का फायर टाइप पोकेमॉन जो कि है क्विलावा। दोस्तों, क्विलावा एक प्योर फायर टाइप पोकेमॉन है और वो एक जोटो का स्टार्टअप पोकेमॉन भी है। दोस्तों, एश ने क्विलावा को पकड़ा था सिंडाकुल के फॉर्म में एक, और दोस्तों वो क्विलावा को सिंडाकुल को पकड़ा था अनजाने में, पकड़ लिया था क्योंकि उसे एक ट्रेनर से उसे बचाना था, तो उसने उसके पास पोकेबॉल थ्रो करके उसे पकड़ लिया था। और दोस्तों, जब उसने सिंडाकुल को पकड़ा था तब सिंडाकुल थोड़ा वीक था, बट एश ने उसे ट्रेन करके बहुत ही स्ट्रॉन्ग बनाया। और दोस्तों, फिर जब शिनो रीजन की बात आती है, शिनो रीजन में जब एश अपने पोकेमॉन्स वापस बुला रहा था, मतलब एक्सचेंज करके देख रहा था शिनो के बैटल में, जो कि मैं कहूँ एश ने सबसे बड़ी एकदम दिमाग लगाने वाली चीज़ की थी, तो उसमें उसने जब सिंडाकुल को वापस बुलाया था तो वो टीम रॉकेट से बैटल करते टाइम इवॉल्व हो गया था क्विलावा में। दोस्तों, ये बहुत ही ओपी सीन था जब वो इवॉल्व हुआ, और इवॉल्व होने के बाद तुम्हें पता है उसने बैंड बजा दी। तो दोस्तों, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि क्विलावा को 4th पोजिशन वाकई में डिजर्व होता है। नंबर 3 दोस्तों, नंबर 3 पे आता है और एक जोटो रीजन का पोकेमॉन जो कि है बेलीफ। दोस्तों, एश ने बेलीफ को पकड़ा था चिकोरेटा के फॉर्म में, जी हाँ, चिकोरेटा के फॉर्म में पकड़ा था बेलीफ को, और जो चिकोरेटा है वो भी एक जोटो रीजन की स्टार्टर पोकेमॉन में से आती है ग्रास टाइप की, और वो एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमॉन है। दोस्तों, चिकोरेटा बहुत ही ताकतवर पोकेमॉन है, इसलिए मैंने उसे क्विलावा के ऊपर वाली पोजीशन पर रखा था। दोस्तों, चिकोरेटा ऐश से बहुत लगाव करती है क्योंकि, और वो पिकाचू से जलती भी है क्योंकि पिकाचू उसके कंधे पर बैठता है, तो ऐसा कुछ है। पर एक एपिसोड में जब टीम रॉकेट चिकोरेटा को कैद कर लेती है, पर उसे वहाँ से ऐश की मदद करने के लिए बाहर निकलना होता है, तो
बेसिकली होता क्या है, वो उसकी उसको पावर्स कम पड़ जाती है वहाँ से निकलने के लिए, इसलिए वो ट्राई करती है और फिर वो इवॉल्व हो जाती है और फिर वो बॉडी स्लैम जैसा अटैक्स सीख जाती है और उधर से उस केज को तोड़ के बाहर निकल जाती है और ऐसे ही कुछ होता है। और इसलिए बेली बहुत स्ट्रॉन्ग पोकेमोन है, उसे उसको बहुत अलग अलग किस्म के अटैक्स आते हैं जैसे कि रेजर लीफ, बॉडी स्लैम, वाइंड वेब, सोलर बीम जैसे अटैक्स दोस्तों। और मैं कहूँ अगर बेलीफ मगेनियम में विकसित हो जाती तो और बेटर होता और वो और बेटर पावरफुल बन जाती। नंबर टू दोस्तों, नंबर टू पे और एक फायर टाइप पोकेमॉन आता है जो कि एश का है और वो है पिगनाइट। दोस्तों पिगनाइट मेरे भी वन ऑफ द फेवरेट लिस्ट में से पोकेमॉन है क्योंकि वो बहुत ही क्यूट और डैशिंग सा लगता है। और दोस्तों पिगनाइट जो है वो एक डुअल टाइप पोकेमॉन है, यानी वो फायर प्लस फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है। और दोस्तों इसे उसने पकड़ा था यूनोवा रीजन में और इसे पकड़ा था टेपिक के रूप में, उसके बाद जाके ये पिगनाइट पे इवॉल्व होता है। और पिगनाइट में वो इवॉल्व तब होता है जब वो एक आई गेस वो एक जिम बैटल करता रहता है एश टेपिक को यूज़ करके और फिर वो जाके पिगनाइट में विकसित होता है। और अगर मैं गलत रहूँगा तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। और दोस्तों जो टेपिक है यानी जो पिगनाइट है जिसका फर्स्ट स्टेज टेपिक है वो एक स्टार्टअप पोकेमॉन है यूनोवा रीजन का। और दोस्तों पिगनाइट को एक फायर पिक पोकेमॉन भी कहा जाता है। सो पोकेवेंस बात आते हैं नंबर वन के स्पॉट की पोकेमॉन की। दोस्तों जो नंबर वन स्पॉट पे है हमारा इलेक्ट्रिक माउस पोकेमॉन पिकाचू। दोस्तों तो अब तुम लोग पूछ रहे होंगे यार पिकाचू को कैसे रख सकता है यार तू इस लिस्ट में, ये तो सेकंड इवोल्यूशन स्टेज पोकेमॉन एश के पोकेमॉन का वीडियो है। तो यार पिकाचू भी एक सेकेंड स्टेज पोकेमॉन है और पिकाचू के तीन इवोल्यूशंस हैं जैसे कि तुम्हें याद होगा, अगर नहीं याद होगा तो सुन लो। पिकाचू इवॉल्व होता है पीचू से, यानी ये लाइनअप कुछ ऐसा जाता है पीचू, पिकाचू और फिर राइचू। दोस्तों तो पिकाचू जो है वो सेंटर पार्ट में आता है ना सेकेंड इवोल्यूशन, तो यार इसीलिए मैंने उसको फर्स्ट पोजीशन पर रखा है क्योंकि यार पिकाचू तो सबको पता है यार, पिकाचू तो हमारा लेजेंड पोकेमॉन है, वो किसी को भी हरा सकता है। जी हाँ तो यार तो पिकाचू को मैंने इसलिए नंबर वन के स्पॉट पे रखा हुआ है। और दोस्तों ये इकलौता ऐसा पोकेमॉन है जो कैंटो में अपने सेकेंड स्टेज में मिलता है और जोटो रीजन में इसका फर्स्ट स्टेज मिलता है, यानी कितना ओपी है ना यार पोकेमॉन कंपनी, यू आर सो गुड। सो पोकेमैंस तो यार मैं दिल से चाहता हूँ कि तुम लोग को ये वीडियो पसंद आया ही होगा क्योंकि यार बहुत मेहनत करके दिल से बनाया वीडियो। और फिर से एक बार सबको एक हैप्पी दिवाली। और भाई लोग प्लीज़ कोई मस्ती मत करना यार, सेफली खेलना अपनी दिवाली, जो भी फटाके वटाके उड़ाने यार ठीक से उड़ाना, बट यार जो भी करना है उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और कमेंट सेक्शन में मेरे को बताओ यार तुम्हें ये लिस्ट कैसी लगी और ये वीडियो भी कैसा लगा। तो और सब्सक्राइब ज़रूर करना क्योंकि आगे भी ऐसी अलग अलग थियरी वीडियोज़ आएंगी। सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो, मिलता है तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर, पीस आउट।